सर्दियों के मौसम में मुगल रोड इस तरीके से बर्फ से ढक जाता है और जैसे जैसे तापमान सामान्य होने लगता है मुगल रोड से बर्फ को हटाने का काम जोरों शोरों पर किया जाता है। लेकिन इस बार देखा गया है मौसम लगातार करवट बदल रहा है, रुक रुक कर बर्फबारी का दौर ऊपरी इलाकों में जारी है, जिस वजह से मुगल रोड पर अभी यातायात बाधित नजर आ रहा है। और मुनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसके मुताबिक मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन यातायात के लिए मुगल रोड को नहीं खोला जा सका है क्योंकि मौसम विभाग ने आगे आने वाले समय के लिए भी पेशेंगोई की है कि बर्फबारी हो सकती है, शायद इस वजह से यहां पर यातायात के लिए वक्त लग सकता है। क्या कुछ इसको लेकर अतिरिक्त जानकारियां मिल पाई हैं, कुछ अधिकारियों से बातचीत हो पाई हो मुनीश? जैसा कि मुगल रोड पर बर्फ डालने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और जो है कल जो है पीर की गली तक कनेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह का मौसम चल रहा है और बार बार यहां पर स्लाइडिंग हो रही है और साथ ही जो है वहां पर कुछ एवलांचेस आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है मुगल रोड को खुलने की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि कल जो है जिला विकास उपायुक्त पुंछ जो है उन्होंने खुद दौरा किया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि लोगों की इस समय डिमांड है कि जल्दी से जल्दी मुगल रोड खुले, क्योंकि जहां आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं जो खाना बदोश हैं, जो गुजर बकरवाल हैं, जो इन दिनों में अपने ढोकों में जाते हैं मवेशियों को लेकर, तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह की मुगल रोड की हालत है, अगर पुंछ की तरफ से बात करें तो पुंछ की तरफ से सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यहाँ से 17 किलोमीटर का जो एरिया है मुगल रोड पे, वहां पर एक बहुत बड़ी स्लाइड हुई थी जिसको हटाने में कम से कम 2 दिन लगे थे, लेकिन अभी भी वहां पर जो है स्लाइड का खतरा बना हुआ है और जो वहां पर जो सड़क है वो लेवलिंग में ही है। तो ये सब को देखते हुए जो है कल जिला विकास ने जो है उन्होंने निर्देश भी दिए हैं जो विभाग को कि इसको जल्दी से जल्दी जो है यातायात के काबिल बनाया जाए, लेकिन वहां पर जो स्लाइडिंग है और उसके कारण जो है गाड़ियों को चलना भी मुश्किल है और आने वाले अगले जो 3 दिनों में फिर मौसम खराब होने वाला है, तो जिसको लेकर अधिकारी को ये कहना है कि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं लेकिन मौसम अगर साथ देगा तो उसके बाद ही जो है 10 तारीख के बाद कहीं जाकर मुगल रोड पर यातायात बहाल हो सकता है।